परिक्रमा करते हुए त्रिवेणी संगम से संगम नोद पर पहुंचेंगे। देख सकते हैं महाराज जी इस तरह से चलते हुए वहां से दंडवत परिक्रमा करते हुए बता दें कि अभी समय पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम से और बिल्कुल समीप आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अभी वो यहां पर परिक्रमा कर रही है, आप देख सकते हैं ये मां। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से महाराज जी यहाँ से लेटते हुए सीधा पानी पे जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए ये महाराज जी अब पानी में पहुंचने वाले हैं और इस तरह से ये आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं पर्यटक हैं इस तरह अपनी अपनी खुशियाँ जाहिर करते नजर आ रही है, आप तो जरूर देख पा रहे होंगे। और एक बार नज़ारा हम आपको दिखा दें प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का, क्या है यहाँ पर लोगों का आलम, कितनी ज़्यादा लोगों की यहाँ भीड़। नमस्कार, मैं हूँ आरके निषाद, आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज 24। बता दें कि इस वक्त हम फिर से मौजूद हैं प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में। प्रयागराज की अगर बात करें तो इन दिनों प्रयागराज में माघ मेला 2023 का संचालन हो रहा है। तो आपने देखा तस्वीरों, इससे पहले की तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 का जो प्रथम स्नान था 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा, जिसका कि सकुशल समापन हुआ, उसका नज़ारा हमने आपको दिखाया। तस्वीरें हमने दूसरे स्नान पर दिखाई, आपने देखा कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 का जो दूसरा स्नान था मकर संक्रांति का था। तो इस बार जो मकर संक्रांति का स्नान था 2 दिवसीय पड़ा, यानी कि 14 जनवरी को भी और आज 15 जनवरी है, तो 15 जनवरी को भी आज मकर संक्रांति का काफी भव्य स्नान यहां पर चल रहा है। और बता दें कि जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये प्रयागराज के त्रिवेणी संगम स्थित संगम नोज के समीप सेक्टर नंबर 3 का दृश्य है। और जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, बता दें यहां के बाल ब्रह्मचारी स्वामी फलाहारी मौनी महाराज जी का यह आश्रम है। और बता दें कि इनसे वर्ती दंडवत परिक्रमा इनकी यहाँ से शुरू होने वाली है। अभी देखेंगे हमारे साथ आप खबरों में कि किस तरह से ये यहाँ से दंडवत परिक्रमा करते हुए त्रिवेणी संगम से संगम नोद पर पहुँचेंगे। और बता दें कि इनको जो है रुद्राक्ष बाबा के भी नाम से जाना जाता है, 125,000 रुद्राक्ष की मालाओं से ये पूरे के पूरे ढके हुआ करते हैं। जो जिस समय इनका आभूषण यानी कि जो इनका श्रृंगार हुआ करता है रुद्राक्ष की मालाओं का, जिस समय वो उसको धारण करते हैं उस समय इनका दिव्य रूप हुआ करता है और काफी चर्चित संत हैं ये। तो आइए हमारे साथ खबरों में बने रहिए भाई। इनका सबसे पहले हम जो इनका क्रिया योग आश्रम है जहाँ पर ये पूजा अर्चना या साधना वगैरह करते हैं वो आपको दिखाते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को लेकर चलते हैं, इनकी पूरी पूरी दंडवत परिक्रमा जो होगी वो यहाँ से शुरू होकर और त्रिवेणी संगम से संगम नोद पर ख़त्म होगी, वहाँ तक लेकर चलेंगे और पूरा पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये है महाराज जी का आश्रम और सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे इनसे संबंधित पूरी की पूरी जानकारियां यहां पर उपलब्ध कराई गई हैं। आने जाने वाले जो इनके अनुयायी हैं, जो इनके भक्तगण हैं, जो इनके श्रद्धालु हैं वो यहां पर आते हैं और इनका आशीर्वचन लेते हैं। साथ ही
इनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो अभी यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा दें, यहाँ की जो दुर्लभ तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। और सामने हमारे मौनी महाराज जी हैं, रुद्राक्ष बाबा जी हैं, और वो जो है पूरी तरह से तैयारी में है दंडवत परिक्रमा करने के लिए। बता दें कि बड़ी कड़ी तपस्या के बाद इन्होंने आज 592वीं यानी कि 592वीं परिक्रमा का संकल्प इन्होंने लिया है। तो आज इनकी 592वीं जो परिक्रमा है वो पूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिशूल और रुद्राक्ष मालाओं से सजी शिवलिंग, और ये है महाराज जी। अभी ये दंडवत परिक्रमा करेंगे और जिस समय ये अपना रुद्राक्ष की मालाओं से अपना आभूषण जो है पूरा धारण करते हैं, उस समय जो इनका रूप होता है वो काफ़ी अलौकिक, काफ़ी दिव्य होता है, वो अभी दिखाने काम करेंगे। और यहाँ से पहले हम आपको दिखा दें कैसी है तस्वीरें। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो त्रिशूलों के जरिए जो सजाया गया जो इनका आश्रम है वो आप देख सकते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं, जो इनके कुछ अनुयायी हैं, भक्तगण हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इनके शिष्य हैं तो इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल, तो बता दें ये महाराज जी के शिष्य लोग हैं, अभी इनसे जानने का प्रयास करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल आज कौन सा स्नान और क्या दिव्य होने वाला है। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे हम आपको सीधा रूबरू करवाएंगे। तो आइए बातों का सिलसिला जारी रखते हुए सबसे पहले आप लोगों का परिचय कराते हैं। महाराज जी सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मौनी जी महाराज का शिष्य दिव्यांशु नाम है हमारा जी। जी आज पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे हर पर्व पर माघ मेले में 5 बार लेकर परिक्रमा करते हैं माँ गंगा की। हाँ। इस जो आपकी बार मकर संक्रांति 2023 में हाँ। स्नान करेंगे आज संगम तट पर जाके। हाँ। उस देवभूम जोशी मठ की रक्षा हेतु 589वीं बार चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं इस बार जी। और यहाँ पे प्रातः सायंकालीन सत्र में 5100 दीप से भव्य महाआरती प्रज्वलित किए जाते हैं। गंगा माँ की आरती होती है जो श्रीधाम अयोध्या में की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण हो उसी का संकल्प लेके महाराज जी चलते कर रहे हैं यहाँ पे यज्ञशाला। यहाँ लाखों रुद्राक्षों से महाकाल की शिवलिंग बनी हुई है। देखिए कुछ देश रक्षा हेतु के लिए, देश की रक्षा के लिए महाराज जी ने त्रिशूल श्वेतांबर त्रिशूल इधर आप देख सकते हैं हुए हैं। तो अभी हम उस पल का भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हवन कुंड जो कि आप तस्वीरों में हमारे साथ देख पा रहे होंगे, और ये है रुद्राक्ष से सजी शिवलिंग, पूरी शिवलिंग ही रुद्राक्ष की मालाओं से बनी हुई है। और यहाँ पर देश रक्षा हेतु यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिशूल जो कि महाराज जी की एक प्रकार से कहे कि निशानी है। और यहाँ पर आज महाराज जी 589वीं बार जो है परिक्रमा अपनी पूरी करने वाले हैं, दंडवत परिक्रमा, वो भी लेट कर यहाँ से जाएंगे। और कैसे जाएंगे, किस तरह परिक्रमा करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ खबरों में, वो हम आपको दिखाने का काम करेंगे फिर। तो ये देख लीजिए ये है नज़ारा, ये चल दिए महाराज जी दंडवत परिक्रमा में निकल पड़े हैं। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, निरंतर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं निकल चुके हैं महाराज जी दंडवत परिक्रमा में, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे होंगे, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे होंगे और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं भैया, ये आप देख सकते हैं, यह रुद्राक्ष बाबा महाराज, मौनी महाराज जी यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं इनकी दंडवत परिक्रमा आप देख लीजिए, और जो इनका संतों का जो झुंड है, जो संतों की इनकी टोली है, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, और इसी तरह ये दंडवत परिक्रमा करते हुए त्रिवेणी संगम स्थित संगम नोट पर पहुंचेंगे। बता दें ये आप देख सकते हैं, ये है तस्वीर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम मौनी महाराज जी, रुद्राक्ष बाबा जी, और इनके जो संतों की टोली है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है, लोगों की जो भीड़ है, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह से दंडवत परिक्रमा करते हुए जो संत महात्मा है वो यहाँ पर जा रहे हैं। ये आप तस्वीरों में हमारे साथ देख रहे हैं, और ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से दिखा रहे हैं, सेक्टर नंबर 3 से बोर्ड आपको दिखा दें। ये आप देख सकते हैं, ये है इनकी कड़ी तपस्या। बता दें कि 589वीं इनकी तपस्या है दंडवत परिक्रमा, जो इस वक्त आप हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। कड़ाके की सर्द है, कड़ाके की ठंड है, ऐसे में जो इनकी तपस्या है वो आप देख सकते हैं कि मौनी महाराज जी, रुद्राक्ष बाबा जी किस तरह से दंडवत परिक्रमा करते हुए त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे, संगम नोट पर पहुंचेंगे। और अभी
यहाँ से चलकर इनको कितने दूर जाना है वो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, वो आप देखेंगे। और जो उनके शिष्यगण है उनकी टोली आप देख लीजिए, ये है उनकी मंडली, ये है उनकी टीम, आप देख सकते हैं काफी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में, काफी उमंगे देखी जा रही है। और महाराज जी की जो दंडवत परिक्रमा है वो हमारे साथ आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे। और ये आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे संत महात्माओं के द्वारा जो है यहाँ पर ये बोर्ड लेकर और आगे आगे चलने का काम किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही विलक्षण नजारा है, बता दें बहुत ही अलौकिक तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बता दें कि आज मकर संक्रांति का दूसरा स्नान है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मौनी महाराज जी दंडवत परिक्रमा करते हुए त्रिवेणी संगम इति संगम नौज पर पहुंचेंगे। और उनका जो भक्तों का रेला है, जो उनकी भक्तों की मंडली है, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। बता दें कि जितने भी श्रद्धालु, जितने भी उनके शिष्यगण हैं, वो उनके साथ निरंतर पैदल चलने का काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह से किसी के हाथ में रुद्राक्ष है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, सारे के सारे लोग यहाँ से पैदल महाराज जी के साथ चलने का काम कर रहे हैं। और महाराज जी इस तरह से दंडवत परिक्रमा करते हुए त्रिवेणी संगम स्थित संगम नौज पर पहुंचेंगे, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। वहीं पर लोग बाग कुछ इस तरह से पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। लोग बाग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वहीं पर जो उनके अनुयायी है, जो उनके भक्तगण है, उनकी टोली निरंतर पीछे पीछे चलती नजर आ रही है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये उनके शिष्य हैं, ये देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त संत बनना इतना आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं। संतों के भी कड़े इम्तिहान होते हैं, और वो इम्तिहान कैसा होता है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। एक मौनी महाराज है जो कि दंडवत परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कम से कम 1 किलोमीटर की ये इसी तरह दंडवत परिक्रमा करते हुए त्रिवेणी संगम इसी संगम नोट पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से
बाल ब्रह्मचारी स्वामी फलहारी मौनी महाराज सेक्टर नंबर 3 से पांटून नंबर 1 महावीर पांटून से दंडवत परिक्रमा करते हुए त्रिवेणी संगम के समीप आ चुके हैं और अभी उनके निरंतर जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके शिष्य, उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही है, उनकी मौजूदगी यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही है। थोड़ी दूर बचे हैं त्रिवेणी संगम और बहुत जल्द यह त्रिवेणी संगम पर पहुँचने वाले हैं, वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो ये आप हमारे साथ निरंतर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि महाराज जी इस समय त्रिवेणी संगम पहुंचने के कगार पे हैं, एकदम त्रिवेणी संगम पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराज जी इस तरह से अपनी दंडवत परिक्रमा को पूरी करते हुए त्रिवेणी संगम इति संगम नोद पर पहुंच चुके हैं। अब यह उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है, गंगा यमुना सरस्वती। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं निरंतर तस्वीरें हम आपको दिखाते रहे। महाराज जी ने जब से अपनी दंडवत परिक्रमा शुरू की थी वहां से लेकर यहां तक आपने देखा कि इस वक्त महाराज जी त्रिवेणी संगम इति संगम नोद पर पहुंच चुके हैं। वहीं पर लोगों की जो आस्था है, उनके प्रति लोगों की जो श्रद्धा है, लोगों की जो भक्ति है, वो देखते ही बन रही है। बता दें कि यहाँ पर लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है और आज प्रयागराज में चले माघ मेला 2023 का दूसरा स्नान है। दूसरे स्नान के दरमियान यहाँ पर श्रद्धालुओं की, भक्तों की जो भीड़ है वो आमतौर पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं महाराज जी इस तरह से चलते हुए वहाँ से दंडवत परिक्रमा करते हुए। बता दें कि अब इस समय पहुँच चुके हैं त्रिवेणी संगम और बिल्कुल समीप आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और अभी वो यहाँ पर माँ गंगा की दंडवत परिक्रमा कर रही है, आप देख सकते हैं। ये महाराज जी रुद्राक्ष बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। और अभी ये आप देख सकते हैं जो उनके संतों की मंडली है, ये आप देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पानी जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से महाराज जी यहाँ से लेटते हुए सीधा पानी पे जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये महाराज जी अब पानी में पहुंचने वाले हैं और इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये महाराज जी पानी में जो है समा चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। दंडवत परिक्रमा पूरी करने के उपरांत महाराज जी इस वक्त जल में समा चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये है रुद्राक्ष बाबा उर्फ मौनी महाराज। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नजारा इस वक्त हम आपको प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये मौनी महाराज जी का जो स्नान है वो आप देख सकते हैं।
इस वक्त माँ गंगा के शीतल जल में स्नान करते नजर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। पार्वती पते पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में रुद्राक्ष बाबा और मौनी महाराज जी अब माँ गंगा का पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जल में ही एक व्यक्ति के ऊपर इस तरह से रखी गई है ये हवन कुंड की एक टोकरी। तो ये आप देख सकते हैं पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, आप देख पा रहे होंगे। दिखाते चले आए हैं और दिखाते भी रहे हैं कि इस वक्त प्रयागराज में जो चल रहा माघ मेला 2023 का महोत्सव है, यानी कि दूसरा स्नान है, वो है कैसा? तो आपने देखा तो कुछ ऐसी हैं तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 की, ये देख सकते हैं दूर दराज से आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, यहाँ आकर काफी आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आज आपने देखा प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के दौरान जो द्वितीय स्नान का नजारा था, यानी कि दूसरा स्नान। और बता दें कि पहला स्नान था 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान, जो कि सकुशल संपन्न हुआ। और आज दूसरा स्नान था मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति इस बार 2 दिवसीय स्नान पड़ा। तो प्रथम स्नान था 14 जनवरी को, वो आपने देखा। और आज 15 जनवरी को दूसरा स्नान था, वो आपने देखा। और यहाँ पर बता दें कि दूर दराज से जो आए हुए संत महात्मा थे, उनके द्वारा यहाँ पर आपने देखा किस तरह से उनकी संतों की टोली मंडली और एक मौनी स्वामी महाराज यानी कि रुद्राक्ष बाबा ने किस तरह से दंडवत परिक्रमा करते हुए 1 किलोमीटर की परिक्रमा पार करते हुए त्रिवेणी संगम में आकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई। तो ये आपने देखा। आशा करता हूँ कि ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दर्शक 24 अपने सहयोगी लोगों के साथ, मैं आर के साथ हर खबर आप तक।